हेलो स्टूडेंट, आपने देखना शुरू कर दिया है इसके डायरेक्शन। आज हम पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। ये है, देख लीजिए, आपको आईआईटी मंडी है और आईआईटी रोपर है, जहाँ पर ज्वाइंट पीएचडी निकला हुआ है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, दो इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस आपको एक ही जगह मिलेगा, ऐसा ये ऑफर आया है। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसके बहुत फ़ायदे हैं, बाद में बताऊंगा इसके घाटे भी क्या हैं, तो इससे जुड़े रहिए। लेकिन फ़ायदा है इसमें दो इंस्टीट्यूशन से करने के लिए। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर निकला हुआ है पीएचडी का एडमिशन, अब से स्टार्ट हो गया है। देख लीजिए, यहाँ पर 12 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके दोनों के वेबसाइट पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ज्वाइन पीएचडी आईआईटी रोपर, आईआईटी मंडी है, ये आसी पास है, एक पंजाब में है, एक हरियाणा में है, एक पंजाब में है, एक हिमाचल प्रदेश में है। तो दोनों जगह है, अप्लाई कर सकते हैं, पूरा यहाँ पर डिटेल्स में है। तो आपको पोस्टर भी दिया है, ब्राउज़र भी दिया है, यहाँ पर आपको हम डाउनलोड करके दिखा देते हैं। ब्राउज़र यहाँ पर क्लिक करते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या है। हेलो स्टूडेंट, आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि स्किल डायरेक्शन पर पीएचडी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पिछले एक महीने में स्किल डायरेक्शन ने 70 यूनिवर्सिटियों के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन पर ऑन टाइम वीडियो बनाया है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्किल डायरेक्शन। तो देखिए, दोनों का ज्वाइंट जो पीएचडी है, आईआईटी मंडी, आईआईटी रोपर का, भाई इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप देख सकते हैं पीएचडी के लिए निकला हुआ है, पूरा कंटेंट दिया है, इसे रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं आईआईटी मंडी के बारे में लिखा हुआ है कि आईआईटी मंडी जो 2009 में बनी हुई है, ये और एक इंस्टीट्यूशन है जाना माना। आईआईटी रोपर भी है यहाँ पर, काफ़ी 14 पंजाब में है ये, और ये रिप्यूटेड है, कई हर डिपार्टमेंट साइंस और ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस का यहाँ पर मास्टर डिग्री और पीएचडी कराया जाता है। इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इसके लिए दिया हुआ है, और देख लीजिए इंपॉर्टेंट गाइड है कि इंस्टीट्यूशन भी फुलफिलिंग द एप्लीकेशन, आपको यहाँ फॉर्म अप्लाई करना है, और आईआईटी मंडी द्वारा है, दोनों के वेबसाइट पर चीज़ें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन फ़ी है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 200 रुपया लगेगा। जनरल एस सी टू ओबीसी ट्रांजिशन और नेशनल फॉरगन सभी के लिए 200 रुपया है, और वोमन और एस सी एस टी के लिए 100 रुपया आपको देना होगा। तो यहाँ पे मोड ऑफ एसबीआई आप पोर्टल पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो फ़ी है नॉन रिफंडेबल है, तो इसका फ़ी अब वापस नहीं होगा। ओबीसी के लिए आपको 8 लाख होना चाहिए, जो क्राइटेरिया होता है ओबीसी और एसएसटी के लिए, वो क्राइटेरिया फुल करके आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट डेट की आपको बता दिए कि 12 अक्टूबर से शुरू हो गया है, 4 नवंबर तक चलेगा, जो आपको पहले बताइए। ज्वाइंट है दोनों डिपार्टमेंट, दोनों पर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को दोनों वेबसाइट पर आपको जारी होगा शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट का नाम। और देखिए ये दिया है, सेंटर दिया है आईआईटी मंडी में जो है, और कंटेक्ट नंबर भी दिया है, यहाँ से कंटेक्ट कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो। और डिपार्टमेंट वाइज भी दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निकला हुआ है, स्कूल ऑफ बायो साइंस बायो इंजीनियरिंग में निकला हुआ है, केमिकल साइंस में निकला हुआ है, इन्वायरमेंट साइंस में और कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग में निकला हुआ है, सोशल ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में भी निकला हुआ है यहाँ पर, और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भी है यहाँ पर। आईआईटी रोपर में एकेडमिक सेक्शन दिया हुआ है पूरा, और मैथमेटिक्स सब में दिया है, एकेडमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बता दिया है कि क्या किस तरह से स्ट्रक्चर होगा। और सबसे जो बात की है कि आपको पीएचडी करना है तो कोर्स वर्क आपको पास करना होगा, रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है यहाँ पे, वो हर जगह रहता है। ज्वाइंट वाला दिया है तो आपको कैंडिडेट हूँ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पूरा डिटेल दिया है किस तरह से इसका क्वालिफिकेशन है, डिटेल्स में आपको पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी लिखा है कि किस किस के अंतर्गत फेलोशिप के तहत निकला हुआ, एडमिशन फॉर करंटली ओपन अंडर द फेलोशिप रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत निकला हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे स्पिनिंग इन मेमोरी डिवाइस में निकला हुआ है, डिज़ाइन ऑफ प्लेमुलर में निकला हुआ है, इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ जीआरजी से बोलते हैं, इससे रिलेटेड में निकला हुआ है, तो इस सब में आया हुआ है। यहाँ पर पीएचडी देख सकते हैं, लगभग 6-7 एरिया में यहाँ पर पीएचडी कराया जा रहा है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये रहा इससे रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड ये सब देख लीजिए यहाँ पर, जो भी है यहाँ पर देखिए होम इंस्टीट्यूशन
दिया है और होम इंस्टीट्यूशन रोपड़ भी दे दिया है और सुपरवाइजर का भी नाम दिया है किसके अंदर में आपको ये सब है, फेलोशिप और पीएचडी के अंदर सुपरवाइजर का नाम दिया है, ये देख सकते हैं और उनसे कॉन्टेक्ट करके आप एक रिलेशन बना के अपना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अप्लीकेशन एंड एडमिशन के बारे में दे दिया है कि आपको द एडमिशन प्रोसेस विल बी मैनेज बाय द आईआईटी मंडी एंड आईआईटी रोपड़ ज्वाइंट में मैनेज किया जाएगा। आईआईटी मंडी का बी में दिया है, बारे में क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, जो भी बेसिक चीज़ है आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर इसके अनुसार इंफॉर्मेशन के अनुसार, और फी के बारे में दे दिया है तो फी इसमें ज़्यादातर ज़्यादा नहीं होता है। मैं अंत में बताना चाहता हूँ कि आप बोल रहे थे कि इसका नेगेटिव क्या होता है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि डबल गाइड होने की वजह से चाहे डबल कोलैबोरेशन होने की वजह से अगर दो संस्थाओं के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन ना हो तो कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट बीच में ही फंस जाता है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है स्टूडेंट उठाते हैं, चाहे दो इंस्टीट्यूशन के बीच में ये इसके नुकसान होते हैं। इस फायदे हैं कि दो इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस लिया जाएगा, जो इसका इक्विपमेंट है जो इसका रिसोर्स है आप यूज करके अच्छे जानकारी ले सकते हैं, दो स्टूडेंट के दो इंस्टीट्यूशन के अपने फील्ड एरिया के लोगों से मिलने का एक अवसर जानने का अवसर मिलता है। तो ये रहा पीएचडी से रिलेटेड अपडेट, मैं कहूँगा कि इस इंस्टीट्यूशन में आपको अप्लाई करना चाहिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और आप पीएचडी करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग स्किल डायरेक्शन।